एडीएम साउथ अरुण गुप्ता ने दिल्ली में फंसे लोगों को घर भेजने के लिए हाथ बढ़ाए। साथ ही जिनको घर भेजा जा रहा है उनकी पहले जांच की जा रही है, जो जांच में स्वस्थ हैं उन्हीं को भेजा जा रहा है। मैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से गाइडलाइंस आ चुकी, इसमें क्लियर किया गया है कि जो लोग स्ट्रैंडेड हैं, स्ट्रैंडेड मीन्स जो लॉकडाउन शुरू होने के पहले ना तो अपने नेटिव प्लेस में थे और ना अपने वर्क प्लेस पे थे, वो फंस गए। तो जो भी लोग कहीं के स्ट्रैंडेड हैं उनके पास ऑप्शन है, या तो वो अपने स्टेट्स जहाँ से वो बिलोंग करते हैं वहाँ के वो पोर्टल पे या हेल्पलाइन नंबर के थ्रू वो अप्लाई कर दें जी, जिससे कि उनकी लिस्ट में मिल जाए। दूसरा ऑप्शन ये है कि उनको अगर दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से भी शायद किस तरीके का लिंक बनाया जा रहा है वो होता है, तो वो उस पर अप्लाई कर सकते हैं, तो लिस्ट हमें कंसोलिडेटेड मिल जाएगी। या फिर दूसरी एजेंसी में अगर वो ऐसे लोगों की लिस्ट हमें कंसोलिडेट, उनको स्क्रीनिंग करने के बाद हम लोग वहीं पे ही स्पॉट पे ही मौके पे ट्रेवलिंग पास इशू कर रहे हैं जो भी फिट पाए गए हैं, और अगर कोई सिम्टोमेटिक पाया जाता है तो उसको पास इशू नहीं किया जाएगा, उसको जो भी आगे फर्दर कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट है या उनको क्वारंटीन करना है या उनको हॉस्पिटलाइज करना है तो वो उनके साथ किया जाएगा। कोई लेबर है वो मान लीजिए किसी दूसरे स्टेट में था और दिल्ली में था, तभी लॉकडाउन हो गया, दिल्ली के आगे मूव नहीं कर पाया जी सर, तो ऐसे लोगों को या तो उनके नेटिव प्लेस अगर वो जाना चाहते हैं और या अपने वो वर्क प्लेस जाना चाहते हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गाइडलाइंस बनाई हैं। तो उसमें हम लोग इसको फेज्ड मैनर में कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को कुछ लिस्ट मिली थी जैसे राजस्थान स्टेट से और जम्मू एंड कश्मीर स्टेट से, ऐसे लोगों की जिनके पास अपनी कन्वेंस की फैसिलिटी है। तो हमने कल से अरेंजमेंट किया है, यहाँ पे हमारी एक दिपसारी यूनिवर्सिटी है, दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड साइंसेज, इनके अरेंजमेंट कर देंगी। तो हम लोग